सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल शूटर के अंदर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हुए हैं टाटा के शोरूम में, जो कि करनाल के अंदर है, टाटा का मेट्रो मोटर्स। फुल डिटेल आपको शोरूम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मैं आया हूं टाटा पंच का शूट करने, जो कि हमारी टाटा पंच कैमो एडिशन एडवेंचर के अंदर रहेगी। एडवेंचर कैमो एडिशन, जो कि यहाँ पर चार वेरियंट्स के अंदर आता है, पंच, एडवेंचर और जो हमारा अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, इसके अंदर आपको कैमो एडिशन देखने मिल जाता है। और इनके अंदर पैक आते हैं एडवेंचर रिदम और अकम्प्लिश्ड डीजल पैक, इन दोनों के अंदर भी आपको कैमो का एडिशन मिल जाएगा। अब एक बारी मैं वीडियो को शुरू करता हूं, आपको पहले गाड़ी दिखा देता हूं। लो जी, ये रही गाड़ी आप लोगों के सामने। सो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले अगर हम फ्रंट से बात करते हैं तो जो गाड़ी का जो इंजन हुड है वो बहुत ही मतलब आपको ना लार्ज देखने को मिलता है। और इसके जो बात करें ना कि यार एक तरीके से एसयूवी की लुक फ्रंट से देने लग जाती है। गाड़ी ऊंची ऊंची लगती है और चौड़ी बहुत है, वाइड है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर की आपको क्लोसी ब्लैक कलर ग्रिल मिल जाती है। इधर आपको ट्राइयर और पैटर्न डिज़ाइन मिल जाता है, अंदर हॉर्न आपको मिल जाता है। तो जैसे नॉर्मल जो हमारी पंच थी ना, उसके अंदर यहाँ पे ना आपको क्रोम में देखने को मिलती थी, तो इधर आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिश देखने को, मतलब ग्रे के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप लोग इस साइड पर देख रहे हो, अपना बम्पर ब्लैक कलर के अंदर नीचे आपको बम्पर मिल जाता है। इधर आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स के साथ एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हेलोजन हेडलैम्प्स हैं। इधर आपके पार्किंग बल्ब्स हैं और यहाँ पे आपके इंडिकेटर बल्ब्स हैं। सो इसके साथ हम लोग बात करते हैं, नीचे आपको यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल पे ट्रायर और पैटर्न डिज़ाइंस मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के, आपको गाड़ी से पहले मैं एक बार दिखाता हूँ ओवरऑल फ्रंट से लुक आपको गाड़ी कुछ इस तरह मिलती है। साइड से हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको कैमो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इधर आपको कैमो की फेंडर पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ना एक चीज़ है यार, ये देखो जो पंच की बनी हुई है ना थीम, ये आपका बॉडी कलर्ड हो गया। और इधर आपका सारा लोअर की जो अपनी साइड क्लैडिंग वगैरह जैसे जाती है फ्रंट से, तो ये सारी आपकी ना यहाँ से ब्लैक में देखने को आपको मिल जाती है, जो सारी आपकी डोर से होती हुई चारों तरफ गाड़ी के होती हुई जाती है। साथ में बात करते हैं तो इधर जो टायर साइज़ है हमारा, आपको यहाँ पे अपना व्हील कवर देखने को मिल जाएगा ग्लोसी ब्लैक के अंदर। 15 इंच का आपको टायर मिल जाएगा, जिसका साइज़ रहेगा 185/17 और 15 इंच का आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं गाड़ी की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है, वो 187 mm की आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है। और जो इसके ORVMs रहेंगे वो आपके ग्लोसी ब्लैक के अंदर ORVMs रहेंगे, ए पिलर और रूफ आपकी ब्लैक के अंदर रहेगी, ग्लोसी ब्लैक के अंदर। सो ये चेंज है कैमो एडिशन के अंदर। सबसे अलग अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, मैं आपको तीन चीज़ चेंज सबसे अलग आपको बता देता हूँ। एक तो इंटीरियर के अंदर आपको थोड़ा चेंज मिल जाएगा, और जो ORVM है वो आपको ग्लोसी ब्लैक में मिलेंगे, ए पिलर और आपकी रूफ सारी आपको ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था ना कि इसके अंदर, सो इस साइड पे आपको बी पिलर अपना मैट ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं तो जो हमारा रियर का डोर है वो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ओपन करने वैसे गाड़ी अनलॉक कर देता हूँ, लो इधर से अपना रियर का डोर ओपन कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो आपको 37 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका जो गाड़ी का जो कलर है, सो जैसे ड्यूल ऑप्शन के साथ आपको मिलते हैं, नीचे फॉलिश ग्रीन आपको मिल जाता है और ऊपर आपको ब्लैक रूफ मिल जाती है। सो आपके पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं कि आप इसके अंदर अपना जो आपकी रूफ है आप उसको ब्लैक और उसको वाइट का, दोनों का आप ऑप्शन दे सकते हो। मतलब आप या तो रूफ पूरी ब्लैक रखवा लो या फिर आप कैमो एडिशन के अंदर उसको वाइट करवा लो। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस जोन से ये आपको कैमो एडिशन मिलेंगे वो आपको सिर्फ दो ही वेरियंट्स के अंदर मिलेंगे। मतलब देखो, एक तो एडवेंचर के अंदर आपको मिल जाएगा, एडवेंचर एडवेंचर रिदम के अंदर, उसके साथ आपको अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड डीजल पैक के अंदर आपको पंच के मिल जाएगा। इसके साथ हम लोग बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में, तो जो गाड़ी की रियर प्रोफाइल है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर पोर्शन पे आपको थोड़ा सा ऐसे स्पॉइलर के मतलब उसमें मिल जाता है, और नीचे आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है रियर। इस पर आपको कोई वाइपर वॉशर डीफोगर आपको कुछ नहीं मिलता इस वेरियंट के अंदर। वोकल फॉर लोकल की ब्रांडिंग मिल जाती है, इधर आपको टाटा की ब्रांडिंग मिलती है, और यहाँ पर आपको पंच जो है वो आपको ब्लैक मैट ब्लैक की फिनिश में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के टेल लैंप्स के बारे में, तो गाड़ी के जो रियर टेल लैंप्स है वो आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आपको नॉर्मल बल्ब्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इधर आपका इंडिकेटर जो बल्ब है वो आपको मिल जाता है, इधर आपकी रिवर्स लाइट्स मिल जाती हैं। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बटन मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए, और साथ में इधर हम बात करते हैं इधर आपको पार्शल ट्रे मिल जाती है, हार्ड पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है। अच्छा, इसकी क्वालिटी यार अच्छी क्वालिटी है इसकी ना, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे अपना स्पेस वगैरह रखने मिल जाता है। अगर हम बूट स्पेस कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आपके 319 लीटर का आपका बूट स्पेस रहता है विद पार्शल ट्रे, और अगर हम बात करते हैं तो 366 लीटर का आपका बूट स्पेस आपको वैसे मिलता है जो आगे ब्रोशर्स वगैरह के अंदर मेंशन होता है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के स्पेयर व्हील के बारे में, तो स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ का मिलता है,
आपको सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे स्पेयर किट मिल जाती है, टूल किट आपको मिल जाती है। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। गाड़ी के इंटीरियर में जाने से पहले एक बारी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। गाड़ी की जो की है वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, एक आपको फ्लिप की देखने को मिलती है और दूसरी आपको नॉर्मल की देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इस पर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस पर आपको लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आइए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। जैसे कि आप देख रहे हो गाड़ी के जो डोर पैनल है, ये आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग में गाड़ी देखने मिलती है। ऑल डोर्स जो आपके चारों डोर्स हैं आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग मिलती है। एक बार मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ, ये देखो। इससे क्या होता है कि इन और आउट गाड़ी के अंदर पैसेंजर के लिए अच्छा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के जो फ्रंट हमारा डोर पैनल है, इसके अंदर आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाते हैं और इधर से आपको डोर लॉक अनलॉक करने का मिल जाता है। मतलब आपको यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, पावर विंडो लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है। इधर आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्विटर का मिल जाता है, बट इस वेरिएंट के अंदर ट्विटर नहीं आते। इधर आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, JBL बाय हरमन कार्डन के, इसके अंदर स्टीरियो यूज़ हुआ है और स्पीकर्स यूज़ हुए हैं। इधर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा और इस साइड पे आपको बोतल होल्डर और थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स होल्डर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो वेरिएंट है, ये AMT वेरिएंट है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, एक बार मैं अंदर बैठ के आपको दिखा, आप लोग देख रहे हो मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। तो अब हम लोग पहले वीडियो को जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो टिल्ट के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको टिल्ट का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, ये आपको टिल्ट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, बट आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं तो नीचे से आपको थोड़ा सा डी कट का स्टीयरिंग व्हील का लुक आ जाता है। साथ में बात करेंगे तो इधर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं कि आपको किस में वो करनी है, मतलब AM/FM वगैरह किस पे ट्यून करना है। इधर से आपको फ़ोन उठाना और काटना मिल जाता है। साइड से आपको हॉर्न्स मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के सामने स्पीडोमीटर के बारे में। तो गाड़ी के अंदर जो आपको फ्रेंड्स इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। स्पीडोमीटर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं भी एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है, सेंटर में आपको न्यूट्रल है या डी के अंदर ड्राइव में है। तो उसके साथ हम लोग बात करते हैं तो नीचे आपको इंजन टेम्परेचर वगैरह ट्रिप होगी जो मतलब नॉर्मल मिलता है, ऊपर में आपको टाइम मिल जाता है। और इस साइड पे आपको राइट साइड पे जो आप देख रहे हो असेंबली, यहाँ पे आपको अपने इंडिकेटर के ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको हेडलैम्प्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको अपने वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल के बारे में। सेंटर कंसोल में जाने से पहले एक बार मैं आप लोग दिखाता हूँ, आपको JBL बाय हरमन कार्डन की स्क्रीन मिल जाती है, मतलब कनेक्ट नेक्स्ट के नाम से आपको होती है। जैसे कि मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, लो एक बारी अभी आप लोग देख लेना, लग जाओ, ये देखो ये आपको कनेक्ट नेक्स्ट के नाम से आएगी। पावर्ड बाय हरमन ये आपको मिल जाती है। इसके साथ मैं आप लोग बता देता हूँ यहाँ पे आपको ये आपको मिल जाता है, ये आपको टच नहीं रहती, जो आपकी रहेगी वो स्टेयरिंग के यहाँ से रहेगी या फिर इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। ये म्यूट पावर वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, होम वगैरह बनाना, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना। देखो जैसे मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, ये आपको मिल गया ऑप्शन, सेटअप वगैरह ये सब आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा ना, ये व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, ये आपको फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ से मैं होम पे चला जाऊँगा। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, AC वेंट्स के साथ इधर आपको सैटेलाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं देखो इसके अंदर आपको चेंज क्या मिला, वो एक आपको यहाँ पे ग्रीन सा फिनिश आ गया, ब्लैक और ग्रीन की यार थीम बड़ी प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे आपको सारा मिल जाता है डैशबोर्ड के उसमें। इधर आपको AC कंसोल मिल जाता है, AC कंसोल आप लोग देख सकते हो। इधर आपको AC का अपना कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपका 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और इधर आपका USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और इधर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। ये आपका ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन, आपको गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है कि कैसे आपको डी पे करना है या आपको उस पे करना है अपना रिवर्स पे, तो वो आपको मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है हैंड ब्रेक वगैरह के साथ। इधर आप देख सकते हो इधर आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी और इधर आपको दो कप होल्डर्स मिल जाएंगे, थोड़ी सी स्पेस आपको इधर मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि यार यहाँ पे मतलब क्या चीज़ अलग लग रही है, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार ग्लव बॉक्स भी दिखाता हूँ। इधर आपको जो ग्लव बॉक्स है ना, यार देखो टाटा का ना मैं ग्लव बॉक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। इधर ग्लव बॉक्स आपको डीप ग्लव बॉक्स मिलता है और इधर ऊपर से आपको यहाँ पे टैबलेट होल्डर मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल गाड़ी की कुछ प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। और यार ये चीज़ देखो, अभी इसमें हाइट एडजस्टर सीट नहीं है बट फिर भी आपको ना यहाँ से बोनट अच्छा खासा विजिबल हो रहा है। मैं यही कहूँगा आपको इस सेगमेंट के अंदर आपको एक तरीके से SUV मिल रही है, आप ये लगा लो। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ अच्छे, इसके मतलब बॉडी वेट गाड़ी का अच्छा है और दूसरा ऊंची गाड़ी है, ऊंची सीट्स हैं, तो आपको इस वेरिएंट इस प्राइस के अंदर आपको ये गाड़ी एक तरीके से SUV का फील दे रही है। तो गाइस इस साइड में आपको यहाँ पे सिटी और इको का मोड मिल जाता है। इसके अंदर आपको दो मोड्स मिलते हैं, सिटी और इको, यहाँ से आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो सिटी मोड में रहती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा फ़ोन वगैरह रख सकते हो या चाबी वगैरह रख सकते हो, बोलो जो नॉर्मल होती है। नीचे आपको इधर डेड पेडल मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इधर आपको डेड पेडल मिल जाएगा। यहाँ आपको ब्रेक होगी और आपके एक्सीलेशन हो गया।
बोनट का आपको मिल जाता है यहाँ से ओपन करने का, और ये आपका फ़ोन वगैरह थोड़ी सी स्टोरेज आपको इधर देखो मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो सो गाइस, जैसे कि आपको मैं बताता ना कि इंटीरियर के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, वो आपको चेंज यार यहाँ पे देखो सीट्स के अंदर मिलता है। देख लो आप कि ब्लैक और ग्रीन की थीम कितनी ही प्यारी लग रही है। एक बार मैं पहले आपको रियर केबिन के अंदर भी दिखाता हूँ, पहले मैं एक बार सीट को एडजस्ट कर देता हूँ। या चलो देख सकते हो आप लोग कि सीट ये पूरी पीछे है, जितनी पीछे तक हो सकती है। अब एक बार मैं आपको इसका रियर स्पेस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और वो जो को पैसेंजर साइड वाली हमारी सीट है, वो जो आपको मिलेगी उसमें कितना स्पेस है, मतलब वो नॉर्मल है, उसका भी एक बार स्पेस चेक करा दूँगा। और इसका मैंने अपने अकॉर्डिंग स्पेस किया है, तो देखो ना आप बिल्कुल पीछे तक है। तो अब एक बार आपको इसका भी स्पेस चेक कराता हूँ। यहाँ से आप रियर डोर ओपन कर सकते हो, सो आप रियर डोर का भी अपना वो देख सकते हो डोर पैनल। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल हो गया, ठीक है, लॉक अनलॉक मिल गया, और इधर आपको बोतल होल्डर मिल गया। सो अब मैं एक बार आप लोग दिखाता हूँ, ये देखो इतना स्पेस का फ़र्क है। एक मिनट में बैठ ही जाता हूँ। लो भाई, ठीक है, पूरा पूरा आया यार। बट वैसे अगर बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस है, और अंडर थाई स्पोर्ट भी बहुत अच्छा है। एक सेकंड, मैं ना पहले सीट को सेट कर लेता हूँ। सो गाइज, आप लोग स्पेस देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर आपको अच्छा खासा एक स्पेस देखने को मिल जाता है। उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ना यार, फ्लैट फ्लोर है। ये देखो, कोई हम्प नहीं, कोई कुछ नहीं, और थाई स्पोर्ट भी अच्छा है यार। ये देखो, अब जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मतलब ना अंडर थाई स्पोर्ट भी गाड़ी का अच्छा है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे आइसोफिक्स प्रोविजन भी मिल जाता है सीट्स के अंदर। सीट बेल्ट्स मिल गई, सीट बेल्ट जरूर वेयर करा करो। अब मैं ना यार ये देखो, हेडरूम भी आप देख सकते हो गाड़ी का अच्छा, एक हेडरूम आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल मिल गया आपको इस साइड पे, अच्छा खासा एक हेडरूम मिल जाता है, अच्छा खासा आपको इधर लेग रूम मिल जाता है। सो यार एक अच्छा ऑप्शन लगता है इस प्राइस रेंज के अंदर। और रियर से आपको फ्रंट की कैसी लुक मिलती है वो भी आप लोग देख सकते हो। सो मैं एक बार आप लोगों को गाड़ी का इंजन केबिन भी दिखाता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो इंजन केबिन आपको यहाँ पे गाड़ी का कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। BS6 आपको फेस टू की गाड़ी देखने को मिल जाती है। ये 3 सिलेंडर आपका इंजन है, जो कि 1.2 लीटर है, 1200 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 86 की पावर मिल जाती है, 113 का आपको न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है, ABS EBD की आपको किट वगैरह मिल जाती है। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। BS6 का आपको फेस टू इंजन मिलता है ये।